नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। सतलोक का संग्राम हरियाणा की सबसे बड़ी खबर बन गया है। रोहतक का करौथा गांव रविवार के दिन अचानक सुलग गया था। इस हिंसा में हुई फायरिंग से 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन घायलों में पुलिसकर्मियों की भी बड़ी संख्या थी। अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। सतलोक आश्रम को खाली कराया गया है तो करौथा के लोग कई मांगों को लेकर अड़ गए हैं। ऐसे में गतिरोध जारी है और सुलह के बावजूद अनहोनी की आशंका बनी हुई है। 7 साल पुराना विवाद क्यों सुलगा रोहतक? करौंथा में कोहरा, 2013 का सबसे बड़ा टकराव। सतलोक द इनसाइड स्टोरी। सतलोक आश्रम को गुरु रामपाल चलाते हैं। इनके दावों और शिक्षाओं से ये लोग सहमत नहीं हैं। तो आर्य समाज के समर्थकों ने गुरु रामपाल के खिलाफ पिछले कई बरसों से मोर्चा खोला हुआ है। इस पूरे टकराव का केंद्र करौथा गांव का सतलोक आश्रम बना हुआ है। स्थानीय लोग इस आश्रम को तोड़ना चाहते हैं, तो रामपाल किसी भी कीमत पर सतलोक आश्रम का कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा मामला कोर्ट में भी सुलझाया गया तो प्रशासन की तरफ से भी कई पहल की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। आइए आपको दिखाते हैं सतलोक विवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। करौथा गांव पिछले कई दिनों से देश की सबसे बड़ी सुर्खियां बना हुआ है। तो करौथा में हुए कोहराम से हरियाणा सरकार की नींद भी उड़ गई। वजह साफ थी, हिंसा की वजह से हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है तो 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इस हिंसा में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। रोहतक अचानक क्यों सुलग गया और करौथा में इतना बड़ा फसाद क्यों हुआ? मामला 7 साल पुराना है, लेकिन हिंसा अब क्यों हुई है? इन सवालों का जवाब पहली बने हुए हैं। तारीख 9 जून 2006। सतलोक आश्रम का विवाद 9 जून 2006 से शुरू हुआ था। झज्जर के छोड़ानी की कोठी दयाल धाम आश्रम में एक भक्त ने विवादित पुस्तक लिखी थी। यही वजह है उस वक्त रामपाल समर्थकों ने कोठी दयाल धाम पर धावा बोल दिया था। इस हमले में आश्रम प्रमुख ब्रह्मस्वरूप सहित कई लोग घायल हुए थे। तारीख 7 जुलाई 2006, सतलोक आश्रम का विवाद सुलग रहा था और 7 जुलाई 2006 में करौथा आश्रम से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त इस गिरफ्तारी के विरोध में झज्जर रोहतक हाईवे जाम किया गया था और गिरफ्तार किए गए सतलोक आश्रम के 3 समर्थकों को रिहा करने की मांग की गई थी। इसी मामले को लेकर 8 जुलाई 2006 के दिन दीघल गांव में महापंचायत भी हुई थी। 10 जुलाई 2006 दीघल और आसपास के ग्रामीणों ने 4 दिन तक जाम लगाए रखा और करौथा के सतलोक आश्रम के खिलाफ जांच की मांग की। बारह जुलाई 2006 सतलोक आश्रम के बाहर जमकर हंगामा हुआ और इस उपद्रव में
एक व्यक्ति की मौत हुई थी। 13 जुलाई 2006 सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल समेत उनके 24 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और स्थानीय प्रशासन ने सतलोक आश्रम को उस वक्त अपने कब्जे में लिया था। अगस्त 2006 सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की थी। नवंबर 2009 हाईकोर्ट का फैसला आया और सतलोक आश्रम दोबारा संत रामपाल के ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया गया। लिहाजा हरियाणा सरकार और आर्य समाज की प्रतिनिधि सभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। ۱۸ فروری 2013 सुप्रीम कोर्ट में सरकार और आर्य समाज की प्रतिनिधि सभा की याचिका खारिज हुई। ۲۴ فروری 2013 रामपाल के ट्रस्ट ने एसडीएम कोर्ट में सतलोक आश्रम का कब्जा लेने के लिए याचिका लगाई। ۱۱ مارچ 2013 एसडीएम ने सतलोक आश्रम के रिसीवर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर जल्द सतलोक आश्रम को रामपाल की ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। अब सतलोक आश्रम का मामला सुलग रहा था और कब्जे का विवाद बड़े फसाद की तरफ इशारा कर रहा था। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की नींद नहीं टूटी और सतलोक आश्रम बड़ी अनहोनी की वजह बन गया। संजय कुमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, करौथा गांव, रोहतक। सतलोक आश्रम की कहानी में कई मोड़ आते गए और विवाद साल दर साल करवट बदलता गया। सुप्रीम कोर्ट में गुरु रामपाल की जीत हुई तो हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और आर्य समाज के अनुयायी और करौथा के लोग सतलोक आश्रम पर कब्जा छोड़ने के हक में नहीं थे, लिहाजा सभी कानूनी दाव पेचों को आजमाया गया। लेकिन इंसाफ की तराजू में रामपाल और उनके समर्थक भारी नजर आए तो स्थानीय लोग अब हिंसा के जरिए इस आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं। इस पूरे विवाद में रामपाल और उनके समर्थकों पर कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। ۱۱ اپریل 2013 गुपचुप तरीके से सतलोक आश्रम को प्रशासन ने रामपाल की ट्रस्ट को सौंप दिया। दो दिन बाद इस बात की भनक स्थानीय लोगों को लग गई। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। 10 अप्रैल 2013 सतलोक आश्रम पर पथराव किया गया और रोहतक झज्जर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। आर्य समाजियों को प्रशासन ने सतलोक आश्रम को दोबारा कब्जे में लेने का भरोसा दिया। फौरी तौर पर विवाद टल गया और जाम खुलवा दिया गया। 11 अप्रैल 2013 प्रशासन ने सतलोक आश्रम में अचानक धारा 144 लागू करने की घोषणा की और रामपाल के समर्थकों को सतलोक आश्रम से बाहर निकाल दिया। 17 अप्रैल 2013 रामपाल समर्थकों की याचिका पर सिविल जज ने एक सप्ताह तक आश्रम में स्टे लगा दिया, लिहाजा प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। 25 अप्रैल 2013 आर्य समाज की प्रतिनिधि सभा का सतलोक आश्रम के सामने 2 कनाल जमीन खरीदने का खुलासा हुआ और इस जमीन पर आर्य समाज का आश्रम बनाए जाने की बात सामने आई। 2 मई 2013 आर्य समाजियों की संघर्ष समिति ने पंचायत की और कोई बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए। 10 मई 2013 कोर्ट ने संत रामपाल के समर्थकों को बड़ी राहत देते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन को सतलोक आश्रम की सुरक्षा चाक चौबंद करने के आदेश दिए। 12 मई 2013
रविवार के दिन सतलोक आश्रम विवाद सुलग गया और करौंथा गांव में अब तक का सबसे बड़ा टकराव हुआ। रामपाल के समर्थक और आर्य समाज के अनुयायी आपस में भिड़ गए। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। संजय कुमार के साथ आलोक सांगवान, MH1 न्यूज, करौंथा गांव, रोहतक।